सभी Realme लवर्स का वेट ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और Realme लॉन्च करने वाले हैं जल्दी अपनी 13 सीरीज। ये आपको पता ही होगा और मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो होगा 29 अगस्त को। तो इस सीरीज में दो फोन आने वाले हैं, Realme 13 जो कि बेस वेरिएंट है और इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट Realme 13 प्लस 5G, और ये वेरिएंट हमारे पास आ चुका है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ Realme 13 प्लस का फर्स्ट लुक, इसका बैक डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं इसके परफॉर्मेंस की कि ये फ़ोन कैसे स्पेशल होने वाला है। और ये है Realme 12 प्लस 5G का एक अपग्रेडेड वर्जन। तो मैं आपको कुछ हाइलाइट्स भी बताऊंगी कि इस बार के फोन में क्या क्या नया किया गया है। सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की बात करेंगे। आपको याद होगा Realme ने कुछ टाइम पहले अपनी Realme 13 Pro सीरीज लॉन्च की थी, तो अच्छी बात यही है कि भाई ये उसी सीरीज के दो अफोर्डेबल वेरिएंट्स होने वाले हैं। सो Realme 13 5G का आप सब वेट कर रहे होंगे, लेकिन इस सीरीज का ये फोन हमेशा से स्पेशल रहा है। पिछली बार भी जब Realme 12 प्लस लॉन्च किया गया था ना, काफी लोगों ने पसंद किया उसके फीचर्स की वजह से, और ये जो फोन आते हैं ना ये मेजरली काफी अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं, कम प्राइस रहता है। जैसे प्रो सीरीज में हमने देखा वो मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च की गई थी और फीचर्स भी उसी हिसाब से दिए गए थे, लेकिन बहुत से लोगों को ना वो सीरीज़ थोड़ी महंगी लगती है। तो उन लोगों के लिए Realme स्पेशली ये सीरीज़ डिज़ाइन करती है जो कम प्राइस में एक अच्छा और फ्लैगशिप फ़ोन खरीद पाए। सो ये जो फ़ोन है ना, ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि Realme का एक फ्लैगशिप फ़ोन है। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन पर आते हैं, इसके बैक लुक की बात करते हैं। सो डिज़ाइन में ना मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ है कि हमने प्रो सीरीज़ जब देख ली थी तो हमारी ऑफकोर्स जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी हाई सेट हो जाती है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से फ़ोन लॉन्च किया गया ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता है देखने में कि एक सस्ता फ़ोन है। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि कुछ पॉइंट्स जैसे डिसअपॉइंट किया कि फ़ोन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हैवी वेट है। सो वैसे कंपनी ने तो भाई ये क्लेम किया है कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम है और इसमें कर्व डिस्प्ले तो नहीं है, इसमें आपको फ्लैट एजेस दिए गए। और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखते हैं, अगर इसका जो बॉडी है, जो साइड से हमने थिकनेस हम देखते हैं, वो हो सकती है कुछ 7.6 mm के आसपास। तो उस हिसाब से मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ़ोन बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्लिम है, लेकिन हाँ फ्लैट एजेस होने की वजह से ना जो फ़ोन को पकड़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, यानी कि तो उसका फिट होता है एक हाथ में, वो बहुत अच्छे से आता है। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से ग्रैब किया हुआ है फ़ोन, ये एक्सपीरियंस अच्छा है। फ़ोन मुझे पहले इनिशियली लगा था कि बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन जब आप इसको ऑलमोस्ट यूज़ करेंगे आराम से तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगी कि फ़ोन बहुत ओवरवेट है। तो बैलेंस किया है Realme ने काफ़ी अच्छे से। अब बैक पैनल पर आ जाता है तो मेरे पास है इसका एक विक्ट्री गोल्ड कलर। कलर वाइज अगर आप देखेंगे ना तो फ़ोन एक्चुअली में बहुत प्यारा है। इसका जो बैक पैनल वाला डिज़ाइन है ना, इसमें मैट फिनिश दी गई है। देखने में आपको शायद लग रहा होगा कि ये ग्लॉसी हो सकता है, लेकिन ऊपर में मैट फिनिश है और नीचे जो ये नया पैटर्न दिया गया है गोल्ड वाला, जो टेक्स्चर दिया हुआ है ना, ये भी मैट फिनिश में ही आता है। सो उसके साथ ही आप बैक पैनल में ये भी देख सकते हैं कि एक रिंग शेप्ड वाला कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। तो फ़ोन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, सिंपल डिज़ाइन है, सटल डिज़ाइन है। जिन लोगों को मैट फिनिश अच्छी लगती है ना, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बेस्ट पार्ट है फिंगरप्रिंट्स का कोई इशू नहीं है इसमें। सो एक डिज़ाइन का जो हाइलाइटेड पॉइंट है ना, वो यही है कि फ़ोन का फिट बहुत अच्छा है। एक तो स्टैंडर्ड साइज़ रखा गया है, बहुत ओवर साइज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं आप बोल सकते हैं। फ़ोन ऐसा है कि इसको ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके हिसाब से आपको लगता है ना, जैसे कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन आते हैं तो वो थोड़े स्लिपरी रहते हैं, थोड़े रिस्की भी होते हैं। जैसे अगर आप उनको एक हाथ से ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई फ़ोन बहुत ईजिली ना स्लिप हो जाएगा हाथ से। तो वो इशूज़ मुझे जो फ्लैट एजेस वाले फ़ोन होते हैं ना, उसमें नहीं आता है। तो उस हिसाब से ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो फ़ोन के डिज़ाइन की थोड़ी डिटेलिंग में जाते हैं ना, तो नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, एक सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। वही अपर सेक्शन में आते हैं तो बेस्ट पार्ट ये है कि भाई आपको हेडफोन जैक मिलता है। बहुत लोग ये कंप्लेन होती है कि आजकल फ़ोन्स में हेडफोन जैक नहीं मिलता है, तो ये पॉइंट इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया गया है। और साइड में आपको एक वॉल्यूम बटन मिल जाता है और एक होम स्क्रीन बटन मिल जाता है। सो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सिंपल सटल फ़ोन रखा गया है, डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है। सो अगर आप 12 प्लस से कंपेयर करेंगे ना, तो फ़ोन के बैक पैनल के कलर्स में काफ़ी चेंजेस किए गए। सो मुझे ये कलर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे सटल कलर्स अच्छे लगते हैं। इस फ़ोन के और भी कलर्स आएंगे, अगर आपको कोई वाइब्रेंट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, तो Realme उस कलर में भी इस फ़ोन को लेकर आएंगे। सो अभी हमने डिज़ाइन की बात कर लिया है, इसका फर्स्ट लुक आपने देख लिया फ़ोन का।
अब इसके मेन फीचर की बात करते हैं, वो है इस फोन में मिलने वाला प्रोसेसर, जो कि इस फोन का सबसे हाइलाइटेड पॉइंट है। सो इस फोन में आपको मिलने वाला है Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट, और ये चिपसेट जो उसका प्रीवियस जनरेशन थी, जो हमने Realme 12 Plus में देखा था, उसमें Dimensity 7050 चिपसेट दिया गया था, तो उसके मुकाबले प्रोसेसर में काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया गया है। और शायद आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा, एनर्जी। सो इसका जो रेफरेंस है ना, वो है इसकी बैटरी को लेकर। सो फोन का जो प्रोसेसर होता है, उसका डायरेक्ट लिंक होता है फ़ोन की बैटरी से। सो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, उतना कम बैटरी यूसेज होगा, और बैटरी हेल्थ भी बहुत बेटर रहेगी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले के फ़ोन के कंपैरेटिवली इस बार के फ़ोन में आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है। सो इस प्रोसेसर का जो मेन पर्पस है, वो ये माना जा रहा है कि ये फ़ोन अपने जो प्रीवियस जनरेशन है उसके मुकाबले 30% ज़्यादा पावर कंजप्शन को सेव करेगा। मतलब आपके फ़ोन की जो बैटरी है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आपको मिलेगी। जैसे आप मल्टीटास्किंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, स्पेशली मैं ये पॉइंट भी आपको बता देती हूँ, शायद मैंने मिस कर दिया था, कि ये जो प्रोसेसर है ना, ये स्पेशली गेमर्स के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। सो अगर आप कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा गेमिंग फ़ोन भी खरीदना चाहते हैं ना, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके प्रोसेसर के और क्या हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। सो इसमें जो ये ब्रांड न्यू प्रोसेसर दिया गया ना, इसमें आप हैवी गेमिंग कर सकते हैं। लाइक जितने भी आजकल बहुत हैवी ग्राफिक्स वाले गेम आते हैं ना, वो ईजिली आप इसमें प्ले कर सकते हैं। इसी में आपको हाई फ्रेम रेट वाला एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और 90 FPS के साथ आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, फ़ोन में आपको 12+14 GB तक का रैम सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि अगर बहुत सारे गेम्स आप डाउनलोड करते हैं, तो फ़ोन में कोई हैंगिंग इशू ना आए, फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग ना करे। तो ये एक मेजर पॉइंट है जो आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है, एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस। अब जब हम किसी फ़ोन में गेमिंग करते हैं ना, तो सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि भाई फ़ोन हीट करने लगता है, और मैंने देखा है मेजरली एंड्रॉयड फ़ोन्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। तो इस कंप्लेन को कम करने के लिए Realme ने इस फ़ोन में एक नया कूलिंग सिस्टम भी दिया है। सो जैसे आप ये मान सकते हैं, फ़ोन का जो फ्रेम है ना, वो स्टेनलेस स्टील से बना है, तो इस फ़ोन में हीटिंग इश्यूज आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि कूलिंग सिस्टम की वजह से अगर आप ज़्यादा गेमिंग भी करते हैं, या फ़ोन चार्जिंग पे आपका ज़्यादा देर लगा हुआ है, तो फ़ोन में अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, वो तो ऑटोमेटिकली उसको कूल डाउन कर देगा। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जो इस फ़ोन को एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सो इसका प्राइस क्या होने वाला है, ये तो इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट वाले दिन ही अनाउंस किया जाएगा, और हम आपके लिए इसका एक स्पेशल अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आएंगे। मैं आपको उसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगी, और कुछ हाइलाइट्स ये भी बता देती हूँ कि ये एक वाटरप्रूफ फोन भी होगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही फीचर्स। अगर आप इसके और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून टू एनबीडी टेक, और जाते जाते ना हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि Realme 13 Plus का फर्स्ट लुक और इसके परफॉर्मेंस आपको कैसी लगे। और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ और भी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें।